स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी, योर गाइड एंड मेंटोर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हाल ही में यूजीसी नेट जून साइकिल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और आटा 24/7 ने एज ऑलवेज हिस्ट्री बनाई है बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक रिजल्ट देकर। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ इसलिए बिकॉज इस बार का हमारा एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट रहा था। इंग्लिश पेपर 2 बहुत अच्छे लेवल का पेपर बना था और स्टूडेंट्स भी राइट आफ्टर गिविंग दी एग्जाम दे वर अ लिटिल स्ट्रेस एंड सो वाज आई फॉर देयर रिजल्ट्स। बट मेहनत सिर्फ उस एक दिन की नहीं थी, मेहनत उससे पिछले कई महीनों की थी जो इन कैंडिडेट्स ने अपने एग्जाम्स में लगाई है। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा सितारों को मैं उठा के आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तारे जमीन पर, ये वो मेरे तारे हैं, मेरे शाइनिंग स्टार्स हैं, मेरी क्लास के, मेरे बैच के, जिन्होंने इस बार हु ऑल मैनेज टू बैग अ नेट और अ JRF। सो ऑफ कोर्स एट द ऑनर डिक्टेट आई एम गोइंग टू बिगिन माई सीरीज विद अ JRF कैंडिडेट फ्रॉम माई ओन बैच। रोहित, वेलकम टू माई सेशन। कैसा लग रहा है आपको, सबसे पहले बताओ, जैसे ही JRF का आपने देखा, हाउ डिड यू फील? मैम मैंने ये बिल्कुल ये बहुत क्लीशे सुनने में लगेगा, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। मैंने इस बार को, क्योंकि मेरा सेकेंड शिफ्ट था और कंसिडरिंग द पेपर वॉज अ लिटिल टफर, तो मैंने नहीं सोचा था, बट एवर सिंस द रिजल्ट केम आउट, दिस इंटरव्यू इज समथिंग दैट आई मैनिफेस्टेड। आई टोल्ड पर्सन ये आई वॉन्ट टू बी इंटरव्यूड, सो या And how is what was your family's reaction? What all did they say? बताओ ना, सब बताओ। ये थोड़ा टू माई सरप्राइज मेरे आसपास में जो भी था, मेरा कॉलेज का प्रोफेसर जो भी था, दे वर लाइक वी एंटिसिपेटेड दैट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज व्हेन 18th June एग्जाम वाज कैंसल्ड, ऑन द नेक्स्ट डे आई कॉल माई प्रोफेसर एंड व्हेन दैट ट्विटर पोस्ट केम आई स्टार्टेड हाउलिंग, बिकॉज दैट पेपर आई थॉट आई विल गेट JRF दैट टाइम, बिकॉज फॉर टू वाज टू इजी एंड ऑल्सो उतना टफ मिसिंग डे आई भी नहीं था जिसके लिए मेरा पिछला अटेम्प्ट गया था, तो उस पे मेरा बहुत एक्सपेक्टेशंस था। पर जब ये, और वैसे भी वो एग्जाम खत्म होने के बाद एक मंथ जो भी चला, प्रोटेस्ट, ये होगा नहीं होगा एटसेट्रा एटसेट्रा चलता जा रहा था, तो दैट फेज वॉज द टफेस्ट, क्योंकि ना तो ठीक से पढ़ाई हो पा रहा था और ना ही कुछ हो पा रहा था। तो आई थिंक इन द लास्ट 1 week राइट बिफोर द एग्जाम आई प्रिपेयर्ड, लाइक आई गेव माई 120% एंड द रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन आई टुक बिफोर द 18th June एग्जाम। सो या So Rohit, tell us about your educational background and your family background. Where are you from and where did you study from? मैम, टू बिगिन विथ आई एम फ्रॉम बंगाल एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड आई गॉट 9th rank इन माई ग्रेजुएशन एंड देन आई वेंट ऑन टू परस्यू माई मास्टर्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी एंड आई गॉट सिक्स लाइक आई गॉट फर्स्ट क्लास देयर एज वेल। आफ्टर आई फिनिश्ड माई मास्टर्स देन आई गॉट इन टू अ स्कूल एंड एज A PGT teacher, English teacher, okay. yes ma'am. Because I got myself enrolled in the BA degree, which I didn't do. I'll tell you why. But yeah, so I got into a school and I worked there for about 5 to 6 months. And while I was given a post that I did not expect them to give me, because I went for the interview for a PGT English teacher post and they made me academic coordinator in the next 3 months. Wow. So while working, I just felt like, although I got settled somehow, for a 22 years old, what else would I expect? But after working there, I just felt like, although everything was going fine, there was something missing. I was really missing this academia thing and something that I wanted to do, pursue my future and do PhD and stuff. So that time I started speculating over what else can I do simultaneously while taking NET preparation, and I did a TESOL degree and I started working on an edtech platform, and at that very time, 29th of June last year, there was some offer going on at a 24/7, and I knew you prior to that.
मैंने आपका बहुत YouTube का जो क्लासेस होता था वो मैंने देखा था उससे पहले भी। तो देन आई डिसाइडेड कि अब तो यही करना है, कि तो आई रिजाइंड एंड आई ज्वाइंड योर कोर्स एंड आई साइमल्टेनियसली कीप वॉकिंग एज एन EFL फैसिलिटेटर देयर। एंड या दिस इज हाउ इट हैज बीन। So this is a very important message, I think, that you're giving out to our future people who are potentially, interested in this examination, because you had something stable in your hand, but you did not let that stability hinder your path to success. You dreamed for better things and you achieved them. आप सोचते हो तो आप कर लेते हो, ये आपके इस एग्जाम्पल से हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है. सो वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट. सो ऑल राइट, सो वंस यू एनरोल्ड इन द कोर्स, अब इवेंचुअली अब मुद्दे पे बिल्कुल आ जाते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स इस सेशन को देख रहे हैं वो आपकी जर्नी से और आपकी स्ट्रैटेजी से कुछ लर्न करें. सो आप बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी आपने, मतलब कौन सा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है जिसमें आपने JRF किया है? इससे पहले तो कितने मैं अटेम्प्ट सेकंड, किए थे? इससे पहले मतलब मैं लास्ट दिसंबर में ही दिया था, ऑल और राइट. उस अटेम्प्ट में आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 6 मंथ्स वो अटेम्प्ट मैंने दिया था। पर उसमें मेरा प्रॉब्लम ये हो गया था कि DI का जो क्वेश्चन था मिसिंग DI था। ऑल्दो आई हैड PCM बैकग्राउंड इन माय बोर्ड्स, पर क्या होता है वो मिसिंग DI मतलब दैट वाज क्वाइट आउट ऑफ माय लीग, मैं वो नहीं कर आई पा रहा रिमेम्बर था। दैट DI वाज वेरी हाँ, वेरी डिफिकल्ट. वेरी टफ। एंड बाद में मैंने जब क्लासेस वगैरह देखा ठीक से, तो आई हर्ड टीचर्स वे सेइंग कि आप ये बहुत बुरा चीज है कि आप उसको ईगो पे ले रहे हैं। मैम यू वोंट बिलीव, आई इन्वेस्टेड 30 मिनट्स ऑन 2 DIs इन दैट शिफ्ट। एंड या तो मुझे उस वक्त तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि ये नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर 2 जो जितना भी जाए, मैंने पेपर 1 30 मिनट्स वो 2 DI में दे दिया था और बाकी सब मेरा गेस वर्क में था। 1 वीक अपार्ट आई लाइक दैट वाज माय बिगेस्ट टेक अवे, दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट स्टक एट 1 क्वेश्चन। 1 वीक अपार्ट वेस्ट बंगाल सेट वॉज हेल्प। 17th of December आई सैट इन दैट एग्जाम एंड आई क्वालिफाइड। एंड इन दैट एग्जाम आई डिड नॉट इवन लाइक टच अ सिंगल DI क्वेश्चन। ऑल्दो आई वुड नॉट रिकमेंड इट, बट जस्ट बिकॉज राइट बिफोर दैट एग्जाम आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, आई वॉज लाइक नो आई वोंट डू इट, लेट मी फर्स्ट डू द अदर क्वेश्चन बिकॉज आई प्रिपेयर द थियोरी पार्ट्स वेल एंड ICT वो सब। तो मैं वो सब करके लास्ट में जो टाइम थोड़ा बचा था मतलब 1 घंटे, वो WB सेट में वो अलग अलग होता है, वो 1 घंटे खत्म होने से पहले जो भी था वक्त बचा था उसी टाइम पे जितना हो सके मैंने DI किया और फिर छोड़ दिया। तो दैट वर्क, और वो 1 ही वीक के मतलब बाद में वो एग्जाम हुआ था तो वो क्वालिफाई हो गया है। तो इस बार जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने ये सोचा कि मेरा जो वीक पोर्शंस है, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर लाइक ट्वीकिंग योर स्ट्रेटजी एज वेल। इफ यू आई मीन आई डू रिमेम्बर आपने जब स्टार्ट किया था इस 2024 का सेशन, आपने थियोरी और कल्चरल स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स इन सब चीज़ों से स्टार्ट किया था, तो और ब्रिटिश को बाद में किया था। तो दैट वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि ब्रिटिश 1 तो 5 साल वो मैंने पढ़ा था, और मेरा अमेरिकन मतलब स्पेशल पेपर था तो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा था अच्छे से, पर जो उतना अच्छे से नहीं पढ़ा वो था थियरी पार्ट, क्रिटिसिज्म और वर्ल्ड लिटरेचर इंडियन, क्योंकि मेरा इंडियन नहीं था। तो इन 4 चीजों, एंड आई सॉ दैट देर आर मेनी क्वेश्चन आस्क्ड इन दिसंबर फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 20-30 क्वेश्चन। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाया कि अब तो मुझे यही पहले करना है, क्योंकि ब्रिटिश मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैं ऐसा करता था कि ब्रिटिश का मतलब इन जगह में थोड़ा थोड़ा मैंने स्ट्रैटेजी चलाया। मैंने ब्रिटिश का नॉवेल और ड्रामा बहुत, आप मैंने ब्रिटिश किसी और चीज़ से नहीं पढ़ा, सिर्फ आपके नोट से पढ़ा, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी लास्ट बार में खत्म कर चुका था। तो ड्रामा और नॉवेल्स, क्योंकि मैं मतलब PhD भी करूंगा तो इस पोएट्री में नहीं करूंगा, तो मैंने सोचा कि ये दोनों मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है तो ये ऑलरेडी मैंने अच्छे से कवर किया था तो इसको मैं रिवाइज करता हूँ। पोएट्री में मैंने सिर्फ मॉडर्न और रोमांटिक पोएट्री को चुना, जिसमें मैं मतलब आपका नोट पूरा ठीक से किया था, बाकी ओल्ड इंग्लिश में मैंने नहीं किया लास्ट में।
सिर्फ मिल्टन फिल्टन थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्योंकि वैसे भी वहां से एक और दो क्वेश्चंस आ रहा था, तो मैंने सोचा जाने देते हैं, मतलब वो गेस वर्क से कुछ कर लेंगे। तो राइट मैंने राइट नॉवल और ड्रामा में बहुत फोकस किया ब्रिटिश से, एंड थियरी वॉज लाइक आफ्टर 2 मंथ्स लाइक डूइंग थियरी वेरी डिलीजेंटली आई गॉट समवट ड्रॉन टू इट। तो मैं खुद से बहुत बाहर का, मतलब ब्रिटानिका वेबसाइट में जा जा के सर्च कर करके, इनफैक्ट जोनाथन डॉलीमर से एक क्वेश्चन था, तो मैंने जो जो भी चीज मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मैं जाके सर्च करके, तो गूगल सर्च विल टेक यू अ लॉन्ग वे इन थियरी, ये एब्सोल्युटली मैं ट्रू बताऊंगा। हाँ तो राइट। क्रिटिसिज्म, मैं अपनी क्लास में भी ये बात बोलती हाँ हूँ प्लीज। कि जो भी चीजें आप नोट्स में क्लासेस में देख रहे हैं, बिकॉज बैक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, वी डिड नॉट नो हाउ टू यूज इंटरनेट रिसोर्सेज सो वेल, येट मैंने अपने टाइम में भी, बिकॉज तब एडटेक इतना नहीं फ्लरिश नहीं था, बैक इन 2017-18 मैंने खुद गूगल सर्चेस पे बहुत रिलाई किया था, बिकॉज आई डिड नॉट नो अबाउट मेनी बुक्स, आई डिड नॉट नो अबाउट मेनी रिसोर्सेज, बट गूगल वॉज देयर, सो इवन इफ आई फाउंड वन नेम और एन और अ बुक्स नेम, आई वुड गो टू गूगल, आई वुड सर्च अराउंड इट एंड आई वुड लुक एट सजेस्टेड सर्चेज एज वेल, बिकॉज देन वो मुझे उसी एरिया के अराउंड और डिफरेंट बुक्स और राइटर्स तक लेकर जा रहा था, सो विच रियली हेल्प्स यू अलॉट। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू मेक योर ओन नोट्स, यू कैन मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ इट एंड दैट इज रियली हेल्पफुल इन द एंड। यस, मतलब वही था थियोरी के लिए, मैंने वही किया, वो हाइपरलिंक्स एक से जाकर एक से जाकर ऐसे ऐसे ऐसे। एंड सेकेंडली व्हाट रियली हेल्प मी वाज वो थियोरी का ऐसा होता था कि मैं जिसके मेरा जो फ्रेंड था और एक सीनियर था जिस जिसके साथ हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो सिंस थियोरी वाज क्वाइट टफ, वी स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स विद इट ऑन व्हाट्सएप, लाइक फॉर एग्जाम्पल विल ड्रॉप नेम्स ऐसा ऐसा करके कि और द अदर पर्सन वुड ऑल्सो कम टू से दैट ओके ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, तो जो भी वियर्ड सा नेम्स आता था वो हम, तो थियोरी बहुत अच्छे से कवर किया था, दैट दैट्स रियली हेल्प वेल। और इंडियन मैंने पूरा मतलब कम्प्लीटली आपके ही नोट से पढ़ा मैंने, और किसी चीज मैंने नहीं किया था, सिर्फ मैंने थियोरी के लिए आई डिड गूगल सर्च एंड रेफर टू अदर सोर्सेस। और लिंग्विस्टिक्स मेरा मतलब मास्टर्स में था, उस नोट प्लस आपका जो क्लास का नोट के साथ साथ जो यूट्यूब में आपने जो पढ़ाया था वो एलोफोन्स मॉर्फीम्स वो सब जो था वो मैंने क्लास से डिक्टेशन लेके मतलब पूरा ट्रांसक्रिप्शन लिया हुआ था, तो मैंने वो बहुत अच्छे से किया। और हाँ तो ऐसा ऐसा ही किया था। एंड अच्छा, वॉट अबाउट वॉट इज द रोल ऑफ पेपर वन, बिकॉज एज वी ऑल नो दिस मार्क्स, वट एवर मार्क्स यू गेट, इट इज आउट ऑफ 300 एंड 2/3 ऑफ इट, यानी 200 मार्क्स इट इज डेडिकेटेड टू पेपर टू। नाउ स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर वन, या तो आप पेपर टू में इतना एक्सेप्शनली स्कोर कर रहे हैं दैट यू कैन कॉम्पनसेट इट इन, यू नो यू डोंट नीड टू स्कोर दैट मच इन पेपर वन। द अदर वे इज कि इफ यू आर एवरेज इन पेपर टू देन यू हैव टू स्कोर इक्वली गुड इन पेपर वन, सो एज टू, एंड आई फील हु एवर क्वालिफाइज जे आर एफ वो या तो किसी एक पेपर में एक्सेप्शनली परफॉर्म कर जाते हैं या फिर वो दोनों में बैलेंस बना के चलते हैं। आपने क्या किया था? क्योंकि मैं ऑलमोस्ट लाइक इट्स बिन 1 ईयर मैं प्रिपरेशन ले रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था कि मैं दोनों पेपर में चलूंगा। तो क्योंकि मेरा पेपर 1 लगभग वो दिसंबर जनवरी तक थियरी पार्ट खत्म हो गया था, तो मैं वही रिवाइज कर रहा था, और उसके बाद फेब्रुवरी से मैंने मैथ्स डीआई ये सब पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसका प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से किया। पेपर 1 का मतलब लास्ट बार पेपर 1 में मेरा स्कोर था 24, एंड दिस टाइम आई हिट 39, राइट सो ये लीप मैम ऐसे आया कि इस बार का जो एग्जाम था मतलब डीआई, तो ये मेरा ऑल्दो आई डिड प्रैक्टिस, क्योंकि मैं ना एक रूटीन बना के चलता था कि ये आवर्स तो मुझे करना ही है, वेरी और गुड उसमें से डिवाइड करके कर रहा था, मतलब 3 3 साढ़े 3 घंटा मुझे पेपर 1 करना है, तो 1.5 घंटा उसमें से रिवाइज करना है और 1 घंटा मुझे मैथ्स करना है, तो ये मेरा था। और उसके बाद भी मैं ये सोच रहा था कि मुझे टोटल 32 35 लेना है, तो मैथ्स का क्वेश्चन अगर उसमें से 5 से 2 भी आए तो दैट विल डू। एग्जाम के दिन भी मैंने स्ट्रैटेजी ऐसे किया, क्योंकि मेरा सिंस आई वर्क एट एक्टेक तो मेरा रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, आई कैन रीड वेरी फास्ट, तो मैंने जाके तीन तीन जो कॉम्प्रिहेंशन है पेपर 2 का भी जो कॉम्प्रिहेंशन वो मैंने फर्स्ट जाके कीवर्ड्स लिख के मतलब फर्स्ट 10 मिनट्स में मैंने वो बिल्कुल खत्म कर दिया, और आई गॉट अ बूस्ट इन माय कॉन्फिडेंस आफ्टर डूइंग दैट, दैट्स तो वंडरफुल। वो मैंने
ये मुझे बहुत, नहीं ये मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगी, बिकॉज मैं अपनी क्लासेस में भी ये बात बोलती हूँ, बी वेरी क्लियर अबाउट कि आपको टोटल मार्क्स कितना स्कोर करना है, देन यू सी कि आप दोनों पेपर्स में कितना कितना स्कोर कर पा रहे हो, किस पेपर में पोटेंशियल है कि आप स्कोर को रेज करके उस लेवल तक लेकर जा सकते हो. एंड वन थिंग ग्रेट दैट यू डिड इन योर प्रिपरेशन नाउ आई थिंक इज टाइम ब्लॉकिंग. व्हेन यू सेड कि मैं दिन में इतना घंटा ये करूंगा, माई मैथ्स इज वीक सो आई गिव दिस मच आवर टू इट, विच बेसिकली शोज योर कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी हियर बिल्कुल मैटर्स अ लॉट, राइट? सो आई कैन, वंडरफुल, इट सही स्टिल शोज. आप लोग देख सकते हैं, सभी मेरे व्यूअर्स, रोहित ने अभी भी उनके कमरे में स्टिकी नोट्स आ देयर. सो यू रिवाइज्ड अ लॉट, यू इन्वेस्टेड योर टाइम इन दोज एरियाज वेर यू नीडेड इम्प्रूवमेंट, एंड यू वर कंसिस्टेंट इन दोज एरियाज, विच रियली आई एम श्योर हेल्प यू क्वालिफाई दिस. तो यहाँ से मेरा एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है रोहित, बिकॉज मैं, आपको ध्यान होगा, मैं अपनी क्लासेज में हमेशा बोलती रहती थी कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, लेकिन राइट राइट जितना पढ़ रहे हो हम 70, बिकॉज सिलेबस हमारा ऐसा है अनलिमिटेड है, तो हम 70% पोर्शन को ही प्रेडिक्टेबल पोर्शन मान रहे हैं, बट वी विल प्ले आर बेट्स इन दो 70% एरिया. इफ यू डू इट ब्रिलियंटली, आई एम श्योर यू विल क्वालिफाई नॉट जस्ट नेट और JRF. तो वो आई आप थोड़ा टोटली व्यूअर्स एग्री को विथ यू बताइए. ऑन दिस। या राइट मैम आपने जैसे बोला कि पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो मैंने ये सोचा कि मतलब कौन सा, इनफैक्ट आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग PYQs एवरी अदर डे एंड देयर होल प्रिपरेशन वॉज बेस्ड ऑन PYQs। मेरा खुद का कुछ सीनियर्स और फ्रेंड्स था जिन्होंने सिर्फ वैसे ही प्रैक्टिस किया था। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा फोमो होता था कि अरे ये तो इतना सारा PYQ कर रहा है। मैं आपने एग्जाम के कुछ महीने पहले ऐसा बोला था कि जो रिसेंट PYQs है आप उसको उठाइए और उसको इतना अच्छे से एनालाइज कीजिए कि जो पैटर्न्स है वो आपको मतलब किस एरिया से कितना ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है वो आपको पता चल जाए। तो ये चिट्स में वही लिखा है कि वो कहाँ से कितना आता है। फॉर रियली एग्जाम्पल जो इंडियन एस्थेटिक्स का पार्ट है उसमें बहुत हार्ड नेम्स आता है, मतलब वो संस्कृत वगैरह वैसा, वो मेरा बहुत ही वीक एरिया था। तो यस मैंने क्या किया कि फर्स्ट पेपर पे वो हायर एजुकेशन पे मुझे वो नया फिलोसॉफी एंड ऑल ऑफ दैट मुझे पढ़ना, ऑलरेडी मैंने पढ़ा था हायर एजुकेशन का जो सेक्शन था बाहर से। तो मैंने सेकेंड पेपर का जो इंडियन एस्थेटिक्स का पार्ट था वहां से बहुत चुन चुन के मतलब रसा थ्योरी सिर्फ मैंने पढ़ा, और एक और चीज मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता आ रहा है, बट मैंने बाकी कुछ नहीं पढ़ा वहां से क्योंकि इट वॉज वेरी टफ और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और मैं वहां से ज्यादा मार्क्स लेवरेज भी नहीं कर पाता था क्योंकि नहीं कर पाऊंगा ये मुझे लगा, क्योंकि आता ही था 2-3 क्वेश्चन। तो उसमें ज्यादा फोकस ना करके इफ आई फोकस ऑन थियोरी का मतलब वो सेक्शन क्रिटिसिज्म और इंडियन का, इनफैक्ट वर्ल्ड लिटरेचर, वो रशियन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने वो सब ज्यादा किया क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी मुझे लगा और वहां पे क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहा था। इनफैक्ट राइट बिफोर एग्जाम मैंने ब्रिटिश पढ़ा ही नहीं क्योंकि मेरा ब्रिटिश ऑलरेडी पढ़ा हुआ था एंड वो एक वीक जो था एग्जाम के बिल्कुल पहले मैंने उसमें ब्रिटिश ज्यादा नहीं पढ़ा। मैंने बहुत मतलब से जस्ट यूज टू लुक थ्रू ऑल द पेजेस ऐसे करके आई फोकस्ड ऑन अदर एरियाज, थियरी, वर्ल्ड लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, जिसमें से ये सारा आता था। पेपर वन में मेरा स्ट्रैटेजी मैम ये था कि मैंने जो बोला कि मैंने टाइम ब्लॉक किया था, मतलब 3.5-4 घंटे मुझे तो वहां पे देना ही है, मतलब मेरा पूरा टाइम टेबल पे 8-9 घंटा वॉज एवरेज एक्सेप्ट फॉर वीकेंड्स, वीकेंड्स में वो छोड़ के 8-9 घंटा मैं कर पाता था। तो वहां पे पेपर वन के लिए आई यूज टू अलॉट 3 to 4 hours। तो 3 to 4 hours में 1.5 hours विल कीप फॉर द न्यूमेरिकल्स और बाकी जो था वो मैं थियोरी करता था। तो इट वॉज लाइक अ हैबिट और पेपर वन का मैंने ऐसे किया और पेपर टू में मैं टॉपिक वाइज गया। मैंने PYQ सिर्फ 2022 एंड 2023 में जो 3 cycles हुआ था Because like I said, they change their patterns. So last pa change pattern that I realized was in 2018. 2018 onwards, 2018, 19, 20, 21, वो तो COVID में गया. So we had 2020, 2021 को मैं 1 year मान के चल रही हूँ. So those 3 years, they had a typical pattern. That pattern started changing back in October 2022, and they stayed with that pattern for the whole of the 2023.
अब नॉर्मली नेट एटलीस्ट 3 ईयर्स एक पैटर्न लेकर चलता है, सो आपको एक्चुअली 10 ईयर्स का PYQs करने की जरूरत नहीं है. आप पिछले 2 ईयर्स के भी PYQs उठा लेंगे, यू विल बी ग्रेट इन इट एंड यू विल बी गुड टू गो. सो दैट इज आई थिंक समथिंग यू डिड. एंड आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप देखें अभी भी रोहित के कबर्ड पे द स्टिकी नोट्स आर देयर, ही टाइम ब्लॉक्ड वेरी ब्रिलियंटली. आई थिंक वॉट यू डिड सेपरेटली फ्रॉम अदर्स इज दैट यू डिड नॉट लेट दैट कंफ्यूजन मेस अप विद योर ब्रेन. इवन वेन यू थॉट, आई थिंक इवन वेन यू थॉट दैट यू वर एंक्शियस इन योर प्रेपरेशन, आई फील यू वर वेरी कंसॉलिडेटेड, यू हैड असिमिलेटेड यू नो मटीरियल बिफोर यू, यू वर वेरी श्योर अबाउट कि ये करना है, ये छोड़ना है. एंड ये आपका एक, मुझे लग रहा है, बिल्कुल डिफाइनिंग फैक्टर रहा होगा जिसने आपको दूसरों से बहुत आगे कर दिया है यहाँ पर. कितने परसेंटाइल आए हैं रोहित आपके? हाँ, मेरा 212 परसेंटाइल 99.94 आई थिंक, जस्ट अ नाइन्टी सेकेंड. नाइन पॉइंट नाइन फोर वंडरफुल वंडरफुल. सो एज यू कैन सी 99.94 परसेंटाइल इज अ वेरी वेरी हाई स्कोर दैट रोहित हैज स्कोर्ड हियर. एंड मैं आपसे बात करते समझ पा रही हूँ कि आपका दूसरों से बेटर इतना रिजल्ट क्यों आया है इस वक्त. आई कैन क्लियरली सी वाई दिस हैपेंड फॉर यू रोहित. इन द एंड मैं एक और चीज भी अपनी क्लासेस में हमेशा बोलती रहती हूँ, यू वर्क, इफ यू रिमेंबर आई यूज टू से वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड. सो आई यस ऑलवेज यूज टू से कि जब पढ़ रहे हो स्टडी ब्रिलियंटली, स्टडी डिलिजेंटली, बट बीच बीच में अपने आप को ब्रेक्स देना, रिलैक्स करना, है ना, अपने पसंद की चीजें करना भी बहुत जरूरी है. तो आप फ्री टाइम में अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए क्या करते थे? मैम, इसके लिए मैं पहला जो मतलब रेफर करूंगा वो बिल्कुल 19 जून के बाद वाला टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है. और लाइक आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पूरा जियोपॉडी में डाल दिया एक ही साल या इसमें ये सब करके. पर ऑल्सो आई रियलाइज, मतलब मेरा घर पे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने देखा मैं कितना करता था, काम करता था, ये करता था, तो ऑलमोस्ट द होल डे आई वॉज ऑक्यूपाइड. मतलब मैं आपका क्लास 2-3 घंटा तो क्लास देखता था, उसके बाद मेरा प्रिपरेशन, फिर काम. एंड तो वीकेंड का जो था वो लोग तब आए और वो लोग बोला कि इसी बंगाली में, बंगला में बोला वो लोग, क्योंकि हम लोग बंगाली है. तो इफ आई ट्रांसलेट, उन्होंने ऐसा बोला कि देखो बेटा, मतलब जितना देना था वो आप दे चुके हो, इसके बाद यू का यू हैव टू लाइक लिव इट टू द गॉड. देर इज समथिंग बिगर देन अस दैट्स गोइंग टू डिसाइड, तो वो छोड़ दो. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो लोग इतना सपोर्टिव थे उस टाइम पे, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत था उस. तो उस टाइम तो ऐसे किया था, मेरा फैमिली पूरा पूरा मेरे पास था. और थ्रू आउट द ईयर मैं बहुत कुछ करता था. आई मीन कोलकाता में सिंस माय मास्टर्स आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंटरकल्चरल पोएट्री एंड परफॉर्मेंस लाइब्रेरी, एंड आई पब्लिश पोएम्स. एंड मैं जाके मतलब स्टैंड अप पोएट्री जितना भी होता था, स्लैम पोएट्री, वहां पे जाता था. और आई लव टू पेंट, मैं इलास्ट्रेशन बनाता था. और मुझे फोटो खींचना बहुत पसंद, मतलब फोटोग्राफी बहुत पसंद है. पेंटिंग ऑल्सो आई थिंक तो वी जस्ट डिस्कस, आपने बहुत ब्यूटिफुली अपनी वॉल पेंट की है पीछे विद अ वैन गॉग पोर्ट्रेट, सो दैट्स ऑल्सो हाँ, तो देयर. ये करता था, क्योंकि ये नहीं, अगर कोई बिल्कुल सब 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 छोड़ के ये करे तो यू एक गो टाइम के मैड, बाद बहुत ही होपलेस लगेगा. हाँ, ओ यू गो मैड, तो एब्सोल्यूटली इट विल इम्पैक्ट यू नेगेटिवली, इट विल ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट योर रिजल्ट, एब्सोल्यूटली. क्योंकि एनटीए, आई मीन क्या ही बोले, बहुत ही एट टाइम्स तो ऐसा लगता था कि एक तो नोटिस और स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि सब कुछ नहीं था. बिल्कुल. तो हाँ, फाइनली डिपार्टिंग मैसेज में आप अपने व्यूअर्स को बताना मेरी क्लासेस से आपको कैसे मदद मिली, मेरे नोट्स या मेरी क्लासेस में क्या बेनिफिट आपको लगा, या क्या आपको लगा कि दैट थिंग रियली हेल्प यू इन दिस जर्नी. मैम, हर एक एस्पिरेंट का एक बेस मटेरियल होता है, और उसके बाद आपने जैसे बोला कि ऐड करके करते हुए जाना. इनफैक्ट आप यूट्यूब क्लासेस में भी बोलते थे कि ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसको अलग से स्टडी करके थोड़ा स्टिकी नोट्स कहीं पे लिख लो, ऐसा कर लो. तो आई वुड से एक बेस मटेरियल के लिए मैंने आपका जो है उससे अलग कुछ नहीं किया. उसके बाद थियोरी और जो इमर्जिंग एरियाज है उसके लिए मैंने इधर उधर से सेकंड पेपर से लिया. और पेपर 1 के लिए मतलब
मैंने इतना सोचा ही नहीं, आधा 24/7 आधा 24/7। तो मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि पेपर टू में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इतना सारा कुछ करना है, तो पेपर वन में तो अगर ठीक से, अगर कोई ठीक से एक मटेरियल भी बार बार रिवाइज कर, और दिस आई वुड लाइक, आई वुड हैव टू एम्फसाइज, रिविजन इज द की, आपने बहुत बार बोला था, और दैट इज द ओनली थिंग दैट वर्क फॉर मी। मतलब मेरा तो वो जो 2 मंथ्स था कैंसिल होने के बाद, मैंने सिर्फ रिविजन किया और कुछ नहीं किया। पेपर वन में तो मैंने कुछ नया, मतलब आई डिडंट इवन टच ऑन एनी न्यू थिंग, जो नोट्स मेरे पास था वही मैंने बार बार पढ़ा और मैथ्स प्रैक्टिस किया। पेपर टू में देयर्स अ नीड टू गो बियॉन्ड यू नो एनी एनी बेस मटेरियल, गूगल पे जाके, ब्रिटानिका और कोई सोर्स से जाके, पर हाँ आपका एक बेस मटेरियल होना चाहिए, एंड उसमें उसमें आपको स्टिक करना पड़ेगा। मतलब कोई भी एस्पिरेंट का स्टिक करना बहुत जरूरी, इफ आई कीप हॉपिंग ऑन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल, लाइक इट्स जस्ट गोइंग टू मेक यू फील बॉग डाउन एंड नथिंग इज गोना वर्क आउट फॉर यू। तो आपने ये पिछले पहले भी बोला था, तो वो मैंने बिल्कुल बहुत सीरियसली लिया, और हाँ ऐसे ऐसे करना है। Right, brilliant. Rohit, so it was a pleasure talking to you. I mean, and I'm sure मैं because जब selections या exams से पहले as teachers we say a lot of things, but only a few people are able to incorporate those learnings and those teachings into their preparation. And when they become successful, I think it's always better than the rest of the people they hear it from the horse's mouth, because आपने वो strategy को try and test करके you have come out victorious. So I'm sure जितने भी हमारे future candidates हैं जो UGC NET English की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी subject में तैयारी कर रहे हैं, वो रोहित की preparation strategy से एक lesson लेंगे. And thank you so much, Rohit, for giving us a beautiful, wonderful time. जैसे कि आप जानते हैं, ऑन 9th वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेलिसिटेशन सेरेमनी एट आर हेडक्वार्टर्स इन गुड़गांव. सो यू आर ड्यूली इन्वाइटेड फॉर दैट. एंड आई एम श्योर पर्सनली वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन हमारी रहेंगी, एंड देन हम आपके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग, एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी भी प्लान कर सकते हैं यहाँ से. सो थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच. वेरी थैंक यू, एक्साइटेड टू सी यू ऑन द 9th of November. इट वॉज माई प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, एंड आई विश ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड योर स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, एंड जस्ट कीप एट इट, इट विल हैपन इन इट्स ओन टाइम। थैंक थैंक यू रोहित. यू। तो ये थे हमारे साथ रोहित डे, कैलकटा से, JRF 99.94% के साथ. जैसे कि आप सब देख रहे हैं, उन्होंने अपनी तैयारी में अपने माइंड को वेवर नहीं होने दिया, बेस मटेरियल लेकर चले, उसके अराउंड अपनी प्रिपरेशन को बिल्ड किया, रिविजन पे फोकस किया, टाइम ब्लॉकिंग पे फोकस किया. यही वो डिफाइनिंग फैक्टर्स रहे मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से ये 99.94% कैंडिडेट से आगे आ पाए और अपने JRF को क्वालिफाई किया है. अगर आप भी इन्हीं की तरह अपने JRF की जर्नी को मुकम्मल करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पर फोकस रखें, ध्यान रखें, और आज से अभी से अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दें. बाकी मेरे किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड कर लें अरा 24/7 ऐप, जहाँ पर आप हमारे सिलेक्शन किट या मेगा पैक का पार्ट बन सकते हैं, एंड अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं राइट फ्रॉम द बिगिन. थैंक यू सो मच.